बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमने आज बनाने हैं बंद गोभी के क्रिस्पी पकोड़े। आप लोगों ने सिंपल पकोड़े आलू वाले या पालक वाले बहुत बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन हमने आज बनाने हैं बंद गोभी के क्रिस्पी पकौड़े। बहुत मज़े के बनती हैं और बहुत क्रिस्पी बनती हैं। इसमें कुछ टिप्स भी बताएंगे कि कैसे क्रिस्पी बनते हैं। पूरी वीडियो को देखना है और फिर ही आप लोगों को समझ आएगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने और मेरे पापा ने मिलके बनानी है। अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भाइयों, सारे भैन भाइयों की अल्लाह ताला रहमत करे। देश प्रदेश जिहड़े रहिंदे ने तंदुरुस्ती दवे। असीं अज बंद गोभी के पकौड़े बनाउण लगे हैं। माशाला बहुत सोहणे बनाउणे हैं। इह निक्के तरह कटणी है। आ प्याज भी कटिया असीं, इह भी इस तरह बरीक बरीक कटणा। लच्छेदार हमने बनाने हैं, इह भी लच्छेदार बनाए हैं, कटे हैं इस तरह। इनको हमने कद्दूकस कर लेना है और प्याज भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। इस तरह छोटी छोटी ना लंबे तरीके ना कटनी, जेड़े इहदे रेशे जे बन जाण लंबे लंबे। जितनी ये हमारी वेजिटेबल पतली होंगी ना, प्याज और बंद गोभी, उतनी ये क्रिस्पी बनेंगी। इस तरह लंबे लंबे करके कटने, कट के सारी फिर तुहानू दिखा दें। ये देखें, हमने इस तरह बारीक बारीक लच्छेदार हमने बंद गोभी को कट कर लेना है। ये हमारे पास बंद गोभी का एक फूल है, इसको हमने ऐसे ही कट करना है लंबा लंबा, फिर ही ये लच्छेदार बनेंगे और बहुत मजे के क्रिस्पी से हमारे पकोड़े रेडी होंगे। आलू है, उनको हमने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है ताकि इसमें जो स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाए और आलू जो है वो ब्लैक ना हो जाए। बंद गोभी और बाकी सब चीज़ें भी रेडी हो गई हैं, तो अब हम इनको मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में बंद गोभी डाल देते हैं। लच्छेदार बंद गोभी हमने कट करनी है। बंद गोभी जी माशाल्लाह अभी पाले में कट गए, ये हम आलू समान पा लगे। आलू पकौड़े का समान जो बना रहे हैं, आलू अभी थोड़े थोड़े लंबे कटे है। आज स्लाइड जी बनाई है, प्याज जो थोड़ा थोड़ा बरीक किया हल्का देना। यह सा प्याज जो तकरीबन दो प्याज छोटे, बहुत सोहने बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मजेदार बनते। आ हरी मिर्च थोड़ी जी पानी, ये दो तीन मिर्चा कट्टिया। आज मसाले पाने, अद्धी चमची जी है लाल मिर्च है, हल्दी जी है चौथा हिस्सा, धनिया ला अपना कुटी मिर्च, नमक, सारे ये हल कर देने। अगर आप लोगों ने इसे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है मसालेदार, तो आप लोग ज़्यादा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया जड़ा ये तो जरूरी होता है, ये ही तो स्वाद बनता। सुखा धनिया में थोड़ा जा, सुखा धनिया जड़ा ये थोड़ा जा दादल करके पाना, बिच ये बना नहीं पाना। जो दूसरा धनिया भी पाता ये जड़ा इस तरह पाईदा, यह मल के यदि खुशबू बहुत होगी। पहले च बेसन नहीं पाना, ये पानी थोड़ा जहाँ होंगे वा, इस तरह मिक्स कर लेना सारे। पहले इसको हमने अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है, फिर हम उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। बहुत मज़ेदार बन गए इंशाल्लाह ताला, रोज़े च बना के खाया करो, बहुत मज़ेदार बनते हैं। घर के पकौड़े जड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। बेसन जोड़ा अभी छान लिया वै, ये थोड़ा थोड़ा पा लेना जिन्ना तुहाडे हिसाब च पवे, ज़्यादा बेसन नहीं रखना बिच, अपने हिसाब ना पाना, लेकिन छाण के पाना वै, छाननी दे नाल छाण लिया वै, ये उस हिसाब ना पाना। पहले हम थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। इसको हमने अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है, हिला देना है। तकरीबन पानी पाने की जरूरत नहीं पैनी, जो थोड़ा बहुत पाना पे एक अद्धा चमचा पैना बस, क्योंकि पानी जो सब्जियों के पहले ही जो कटिया आलू भी गोभी भी ये पानी होंगे थोड़ा जहा, वो ही सारा सैट हो जाना। माशाल्लाह असं पकौड़े कढ़न लगे हूँ, मिक्स कर लिया सारा। आ देखो माशाल्लाह इस तरह पाई जाने, ये लच्छेदार बनने हैं, बहुत मज़ेदार बन गए इंशाल्लाह ताला। इसको हमने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, ना ही हमने इसको ज़्यादा लो फ्लेम पे रखना है, वरना ये खुल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, फिर ये क्रिस्पी बनेंगे। इसको हमने इतनी साइज़ का रखना है ना, छोटे जो होंगे वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं लगेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं रोजियां दे विच अपने कटिया करो बना के। माशाल्लाह से पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत क्रिस्पी से मज़े के पकोड़े बने हैं, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। देख के वैसे मुंह में पानी आ रहा है कि बंदा ऐसे ही खा ले। चेक करें आप लोग भी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। बहुत मज़ेदार बन रहे हैं, देखो तुसी कि शो वाले बने तो किड्डे सोहने बने। ये हम सिर्फ खा नहीं सकते, लेकिन कट के असं तेन खा के दिखावे कि मज़ेदार बने, नाल ही मिली चटनी बना के भी दसांगे किस तरह बनाउणी। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, आप लोगों के भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। आप लोग भी दूसरे जो आम पकौड़े होते हैं उनको भूल जाएंगे और इन्हीं को ही बनाएंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही हमने जो बाकी पकौड़े हैं वो सारे निकाल लेने हैं। पकौड़ियों वास्ते असं इमली जी तैयार कर लगे हैं, खट्टा दा बनाना। यह बहुत ही सौखी बनती है, बड़ी आसान बनती, कोई तुड़का नहीं लाना इनू, किसी किस्म का सिस्टम नहीं बनाना। आज जी गिटक है इमली असं भेज गई हैं, ये भेज के असी रख ली सी पहले ही अद्धा घंटा। आज गिटक जी कट देनी है, आ देखो ये इस तरह गिटक सारिया कट के ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਚਟਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦਲ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁਟਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਟਨੀ ਖਾ ਕੇ, ਪਕੌੜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਇਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਟਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ, ਦੋ ਆਲੂ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਏ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣਾ ਖਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੇ, ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਇਹ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਮਲੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਚਟਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬਣਾਏ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ।